गुड मॉर्निंग कलीसिया, आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशनल मैसेज में। और आज मैं आपके लिए पहली तस्लुनी की पत्री अध्याय 5 वचन 17 को पढ़ता हूँ। वचन में इस प्रकार से लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक विश्वासी को दैनंदिन जीवन जीने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहली बात है वचन पर मनन करना और दूसरी बात है प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करना। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी लोग प्रार्थना के महत्व को समझते नहीं, इसके लिए वो प्रार्थना नहीं करते या उनके मन में प्रार्थना के विषय में उदासी छाई हुई हमें दिखाई देती है या वो एक निष्क्रिय जीवन जीते, बिकॉज उनका फाउंडेशन, उनका जो नींव है वो प्रार्थना पर नहीं है। लेकिन जब हम सुसमाचारों की किताबों में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पढ़ते तब हमें यह बात देखने मिलती है कि यीशु मसीह ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय प्रार्थना में बिता रहे। वो हमेशा परमेश्वर के साथ संगति कर रहे, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातचीत कर रहे। जैसे कि लूका 6:12 से लेकर 19 में चेलों का चुनाव करना हो, उसके पहले भी यीशु मसीह ने प्रार्थना की। यूहन्ना 6:1 से लेकर 15 में 5,000 लोगों को खाना खिलाना हो, वहाँ पर भी यीशु मसीह ने प्रार्थना की। और क्रूस पर जाने से पहले मत्ती 26 में 36 और 39 में भी आप वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले परमेश्वर से पिता से प्रार्थना की। इसका क्रम हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि चुनाव, ज़रूरत और सामर्थ्य। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भी थे सेम टाइम पे और मनुष्य भी थे, इसलिए एक मनुष्य होने के नाते वो हर समय प्रार्थना करते थे और इसीलिए वो एक सामर्थ्यशाली जीवन जी सके। और यीशु मसीह ने हमारे लिए यह उदाहरण रख छोड़ा है। यीशु मसीह प्रार्थना के महत्व को अच्छी तरह से समझते थे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में परिस्थितियां मानो हमारे हृदय को दबा देती है, हम उस समय नहीं समझते कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी है या परमेश्वर से क्या कहना है। लेकिन याद रखना, कठिन परिस्थिति में कहे गए दो शब्द भी परमेश्वर को अद्भुत कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। और हम देखते हैं यह यहोशू 10:12-19 में, 12 और 13 में हम देखते हैं कि यहोशू परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, जब तक हम हमारे शत्रुओं को पूरी तरह से नाश न कर दे तब तक सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। ये यहोशू की प्रार्थना है। याकूब 5:17 में हम देखते हैं एलिय्याह की प्रार्थना है। एलिय्याह ने प्रार्थना की और 3.5 साल बारिश नहीं। लूका 6:12-19 में चेलों का चुनाव करना हो, उसके पहले भी यीशु मसीह ने प्रार्थना की। यूहन्ना 6:1-15 में 5,000 लोगों को खाना खिलाना हो, वहाँ पर भी यीशु मसीह ने प्रार्थना की। और क्रूस पर जाने से पहले मत्ती 26 में 36 और 39 में भी आप वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले परमेश्वर से पिता से प्रार्थना की। इसका क्रम हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि चुनाव, ज़रूरत और सामर्थ्य। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भी थे सेम टाइम पे और मनुष्य भी थे, इसलिए एक मनुष्य होने के नाते वो हर समय प्रार्थना करते थे और इसीलिए वो एक सामर्थ्यशाली जीवन जी सके। और यीशु मसीह ने हमारे लिए यह उदाहरण रख छोड़ा है। यीशु मसीह प्रार्थना के महत्व को अच्छी तरह से समझते थे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में परिस्थितियां मानो हमारे हृदय को दबा देती है, हम उस समय नहीं समझते कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी है या परमेश्वर से क्या कहना है। लेकिन याद रखना, कठिन परिस्थिति में कहे गए दो शब्द भी परमेश्वर को अद्भुत कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। और हम देखते हैं यहोशू 10:12-19 में, 12 और 13 में हम देखते हैं कि यहोशू परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, जब तक हम हमारे शत्रुओं को पूरी तरह से नाश न कर दे तब तक सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। ये यहोशू की प्रार्थना है। याकूब 5:17 में हम देखते हैं एलिय्याह की प्रार्थना है। एलिय्याह ने प्रार्थना की और 3.5 साल बारिश नहीं हुई। और याकूब 5:17 में एलिय्याह के विषय में लिखा है कि एलिय्याह हमारे जैसा सम दुख भोगी मनुष्य था, यानी जो दुख हम भोग रहे हैं, जिस परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं, उन सारी परिस्थितियों का सामना एलिय्याह ने भी किया, प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारे प्रार्थना किसी न किसी के जीवन को छूती है,
किसी न किसी के जीवन में प्रभाव डालती है। आज आप में, हम सब प्रभु यीशु मसीह में है, कलीसिया में है, ये किसी न किसी के प्रार्थना का जवाब है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब प्रार्थना का जवाब आने में देरी होती है या परमेश्वर ना कह के भी उसका जवाब देते हैं, तब लोग मानो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते या दूर हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये प्रार्थना जो है हमें दैनंदिन जीवन जीने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है। ये प्रार्थना है हमें दैनंदिन जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह के और करीब ले आती है। प्रार्थना से शुरू किए हर एक दिन हम वैभवशाली जीवन जी सकते हैं, गौरवशाली जीवन जी सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में। आमीन।